इतने बड़े भगवान से एक राज्य का छोटा सा टुकड़ा मांग लोगे तो कौन सी बड़ी बात है उसके लिए। ये बड़ी बात नहीं कि एक राज्य मांग लिया, एक पद मांग लिया, भगवान सचमुच देनी है तो अपनी भक्ति मुझे दे दो, क्योंकि उससे कीमती संसार में दूसरा कोई नहीं। पद मिल सकता, पैसा मिल सकता है, सम्मान मिल सकता है, लेकिन भक्ति किसी बिरले को ही प्राप्त होती है। अब भक्ति का मतलब ये मत समझ लेना कि केवल मंदिर जाके घंटी बजा दी, भगवान के अपनी मनोतियों के लिए धागे बांध आए, शनिवार को शनि देवता को तेल चढ़ा दिया, हो गई भक्ति। ये भक्ति का क्रम नहीं है, ये पूजा हो सकती है, भक्ति नहीं हो सकती है। पूजा को भक्ति का नाम नहीं दे सकते हैं। भक्ति में सब कुछ देना पड़ता है, अपना तन मन धन जीवन सब न्योछावर करना पड़ता है। और भगवान, ये भगवान की चालाकी है जिसमें भक्त फंस जाता है। भगवान बड़े चालाक है। अब इतने सारे भक्त अगर हो जाएं तो भगवान किस किस के पीछे भागेंगे। इसलिए जब कोई थोड़ा बहुत पुण्य कर लेता, भजन कर लेता, तो भगवान प्रकट होकर उससे उसकी इच्छा पूछ लेते, क्या चाहिए तुझे, वो मांग लेता कि भगवान ये दे दो। भगवान ने सोचा इसने हमारा भजन किया, हमने इसके बदले जो चाहिए वो दे दिया, अब हमारा तेरा हिसाब बराबर, तू अपने घर हम अपने घर, अब हमारा तेरा कोई लेना देना बाकी नहीं रहा। ऐसा करके भगवान पीछा छुड़ा लेते। लेकिन एक भक्त कहता, प्रभु हम पीछा छुड़ाने वालों में से नहीं हैं, हम पीछा नहीं छोड़ेंगे, हमें वस्तुएं नहीं चाहिए, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हमें तुम चाहिए, क्योंकि तुम मिल गए तो सब मिल गया, और तुम ना मिले तो सब कुछ मिलते हुए भी कुछ ना मिले।